अठवीं जमात दे बहुत ही प्यारे ते बहुत ही सियाने विद्यार्थियो, विषय है स्वागत जिंदगी, वेलकम लाइफ, खुशहाल जीवन वाल वधदे कदम। प्यारे विद्यार्थियो, इस वीडियो लैसन राही आपां पाठ अठवां पढ़ांगे भी अते सारे प्रश्नां दे उत्तर भी जानांगे, खाली थावां भी भरांगे। पाठ अठवां है स्कूल अते जनतिक संपत्तियां दा सन्मान। पाठ अठवां स्कूल अते जनतिक संपत्तियां दा सन्मान। कर लै संभाल तू सांझियां थावां दी, कर सत्कार तू इन्हां ठंडियां छावां दी। जान पछाण स्कूल अते होर जनतक संपत्तियां जिवें हस्पताल, लाइब्रेरियां, बैंक, रेलवे, बसां, स्कूल, पार्क आदि किसी समाज लई सचमुच बहुत वधिया संपत्ति हन। उन्हां नूं बहुत महान कोशिश नाल बनाया गया है। उन्हां नूं बनाउण अते कायम रखण विच वड्डी रकम दा निवेश कीता जांदा है, क्योंकि सारियां जनतक संपत्तियां लोकां तों टैक्स दे रूप विच एकत्र कीते धन उत्ते चलदियां हन। उन्हां नूं जनतक संपत्ति कहा जाता है, इसलिए इस दी संभाल करना, इस नूं नुकसान ना पहुंचाना अते साफ रखना साढ़े सारयां दा मुख फर्ज बन जाता है। वो हर किसी दी वरतों लई हन। जे एक व्यक्ति इस नूं नुकसान पहुंचाता है तां ये सारयां लई एक वड्डी समस्या बन जाती है। प्यारे विद्यार्थियो, उम्मीद है कि तुसीं जनतक संपत्तियां बारे समझ गए होवोगे अते अज असीं इसे विषय बारे दिलचस्प क्रियावां करांगे। बुझो मैं कौन हाँ। नंबर एक, मेरे कोल किताबां नाल भरियां अलमारियां हन। इत्थे बहुत सारियां कुर्सियां, मेज अते अखबार हन। उत्तर है लाइब्रेरी। नंबर दो, मेरे कोल बहुत सारे सुंदर फुल अते पौधे हन। मेरे कोल प्यारे बाग भी हन, पार्क। नंबर तीन, तुसीं इत्थे आके सिक्ख्या लैंदे हो। मैं एक वड्डी इमारत हाँ जिस विच बहुत सारे कमरे, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी, खेड दे मैदान अते रसोई शैड हन। उत्तर स्कूल। नंबर चार, मैं एक बहुत वड्डी इमारत हाँ। बीमार लोग इत्थे आउंदे हन अते इलाज करवाउंदे हन। उत्तर हस्पताल। नंबर पांच, मेरे कोल बहुत सारे पहिए अते बहुत सारियां सीटां हन। लोग सीटां उत्ते बैठदे हन अते एक जगह तों दूजी जगह जांदे हन। उत्तर रेल गड्डी जां बस। नंबर छे, इन्हां पंजां नूं वेखण तों बाद हुण तुसीं जाणदे हो कि इह जनतक संपत्ति दा हिस्सा हन। की तुहानूं पता है कि इन्हां नूं जनतक संपत्ति क्यों कहा जांदा है? हाँ जी, क्योंकि इह जनता कोलों पैसे इकट्ठे करके बनाई जांदी है। नंबर सत, असीं विचार करांगे कि जे असीं इन्हां चीज़ां दी परवाह नहीं करदे ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਉੱਤਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਪਾਰਕ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਬੱਸ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਆਦਿ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਸ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। आखिर ते नुकसान तो अपना सब दा ही होना है। गतिविधि समा। नंबर एक, प्यारे बच्चियो, अज असी एक किरिया करांगे जिस दे विच हेठ लिखे वेरवे भरने हन। तुहाडे स्कूल दे वक्ख वक्ख हिस्से, सांभ संभाल दी किथे की लोड़ है। नंबर एक, जमातां दे कमरे। ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਫਾਈ ਦੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਵਿੱਚਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ। ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ?
किताबां पढ़न बाद सही थां ते रखण दी। नंबर तीन, खेड दे मैदान सांभ संभाल दी की लोड़ है? साफ सफाई दी, सही हालत विच रखण दी। नंबर चार, दरख्त ते छोटे पौधे सांभ संभाल दी किथे की लोड़ है? पानी लाउण दी, फुल्लां नूं ना तोड़न दी, गमलियां नूं सोहना रंग करके सही थां ते रखण दी। शाबाश। किरिया, साडे कोल एक सारणी है जिस विच तुसीं वेख सकदे हो कि गिनती एक तों वी तक लिखी गई है। ये एक बहुत ही दिलचस्प खेड है जो असीं खेडन जा रहे हाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, इत्थे गिनती लिखी हुई है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह। इत्थे 1 तों 20 अंक वालियां पर्चियां हन। तुसीं एक एक करके आओ अते एक पर्ची चुनो। उस संख्या लई तुसीं सारणी विच एक नुक्ता लिखो जिस नाल तुसीं अपने स्कूल नूं सुंदर बना सकते हो अते स्कूल दी संपत्ति दी संभाल विच तुसीं किवें योगदान पा सकते हो। जे पर्ची दोहराई जांदी है उस अंक अगे एक होर सुझाव लिखोगे। जिन्ने भी वख-वख सुझाव प्राप्त होए हन ओह सारिआं नूं उपरोक्त स्थान विच लिखणे हन। किरिया, प्यारे विद्यार्थियो, हुण तक असीं वेख्या कि किवें जनतक संपत्ति सब दी सांझी है। आओ देखिए कि की तुसीं अपने स्कूल दीआं सारीआं चीज़ां दी संभाल करदे हो। प्यारे विद्यार्थियो, साडे कोलों 3 ऑप्शनस हन, हमेशा, कदे कदे, कदे नहीं। पहला पॉइंट, मैं लाइब्रेरी विच बैठ के शांति बनाई रखदा हाँ, कदे कदे। नंबर 2, मैं स्कूल दीआं कंधां उत्ते लिखदा हाँ, कदे नहीं। नंबर 3, मैं लाइब्रेरी दीआं किताबां विच्चों पन्ने पाड़दा हाँ, कदे नहीं। नंबर 4, मैं स्कूल दे बगीचे विच्चों फुल तोड़दा हाँ, कदे कदे। नंबर 5, मैं अद्धी छुट्टी दे दौरान स्कूल दे मैदान विच कागज सुटदा हाँ अते भोजन दे छोटे टुकड़े फैलाउंदा हाँ, कदे नहीं। नंबर 6, मैं स्कूल दे बेंचां उत्ते कलम नाल नाम लिखदा हाँ, कदे कदे। नंबर 7, मैं खिड़की दे शीशे नूं तोड़दा हाँ, कदे नहीं। नंबर 8, मैं चाक नाल खेड़दा हाँ, कदे कदे। नंबर 9, मैनूं परवाह नहीं हुंदी कि जमात जां बरांडे दे सारे पखे चालू जां बंद हन, हमेशा। नंबर 10, मैं स्कूल विच थुकदा हाँ, कदे नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियो, हुण तुसीं सारे जवाब वेखो अते उत्तर कुंजी दे अनुसार अपने विहार दा विश्लेषण करो। प्रश्न नंबर 1 है, ऑप्शनस जे हमेशा चुनी है तो 3 अंक ने, कदे कदे चुनी है 2 अंक ने, जेकर ऑप्शन कदे नहीं चुनी है तो 1 अंक हन। प्यारे विद्यार्थियो, इस तरह हर प्रश्न दे वक्रे वक्रे वक्रियां वक्रियां ऑप्शन लई अंक हन। तुसी इन्हां दे आधार ते अपने कुल अंक जोड़ लेने हन। इत्थे जिहड़े आपां उदाहरण लई टिक कीते सन इत्थे कुल अंक बने हन 24। सज्जे हाथ लगे हुए अंकां नूं तुसी वेख सकदे हो। अपने अंकां दे आधार उत्ते देखो कि तुसीं किस श्रेणी विच आउंदे हो। उच्च 25 तों 30 अंक, मध्य 16 तों 24 अंक, घट 10 तों 15 अंक। क्योंकि मेरे 24 अंक आए हन इसलिए मैं मध्य श्रेणी विच आउंदा हाँ। तुसीं ये देखो कि तुसीं किस श्रेणी विच आउंदे हो अते अपनी श्रेणी नूं अपग्रेड करन दी कोशिश करो। तुसीं अजिहा करन लई की करोगे? उत्तर, मैं लाइब्रेरी विच शांति बना के रखांगा, फुल नहीं तोड़ांगा, स्कूल दे बेंचां उत्ते कुछ नहीं लिखांगा, चाक नाल नहीं खेडांगा,
फालतू चल रहे पक्षियों नूं बंद करांगा। प्यारे विद्यार्थियों, दूजियां नूं भी अजिहा करन लई प्रेरित करना है। अगला पॉइंट, सोचो अते लिखो। प्यारे बच्चियो, जिवें कि असी वेख चुके हाँ, जनतक संपत्तियां साढ़े वास्ते बहुत जरूरी हैं। इन्हां दा साढ़े जीवन विच बहुत महत्व है। की तुसी जानते हो? नंबर एक, जनतक संपत्तियां तो बिना असी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। किवें? उत्तर, जेकर हस्पताल ते स्कूल नहीं होणगे तां आपां अपना इलाज कित्थों करवावांगे, सिक्ख्या कित्थों प्राप्त करांगे। आवाजाई दे साधन नहीं होणगे तां सानूं इक थां तों दूजे थां ते जाण विच अनेकां समस्यावां दा सामना करना पवेगा। नंबर दो, कई लोग जनतक संपत्तियां नूं किवें नुकसान पहुंचाउंदे हन। उत्तर, लाइब्रेरी दियां किताबां विचों पन्ने पाड़ के, किताबां चोरी करके, बसां गड्डियां दियां सीटां पाड़ के जां तोड़ के, स्विचां खराब करके, गंदगी फैला के, थां थां ते थुक के, पार्कां विच झूले ते फुल बूटे तोड़ के, हस्पताल दे बाथरूम विच कागज जां कपड़े सुट के। नंबर तीन, जनतक संपत्तियां दा नुकसान साडा अपना नुकसान है। किवें? उत्तर, जनतक संपत्तियां साढ़े ही यानी के जनता दे ही पैसों नाल बनियां हुंदियां हन, इसलिए जनतक संपत्तियां दा नुकसान साडा अपना नुकसान है। नंबर चार, तुसी स्कूल संपत्ति दी संभाल किवें करोगे अते दूजियां नूं भी किवें प्रेरित करोगे। उत्तर, मैं स्कूल विच गंदगी नहीं फैलावांगा, लाइब्रेरी विच शांति बना के रखांगा, फुल्लां अते बूटियां दी देखभाल करांगा, फालतू चल रहे पक्षियां अते बल्बां नूं बंद कर देवांगा, मैं किसे नूं भी स्विचां नहीं तोड़न देवांगा, मैं लोड़ पैण ते दूजियां नूं समझावांगा कि इह अपना स्कूल है, आपां ही इस दी देखभाल करनी है। प्यारे विद्यार्थियों, आपां सब ने स्कूल, पार्क, हस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, रेल गड्डियां आदि जनतक संपत्तियां दी देखभाल करनी है। इन्हां दी सही स्थिति दा लाभ आपां नूं ही मिलना है। जेकर कोई इन्हां दा नुकसान करदा है तां उस नूं अजिहा ना करन लई निम्रता सहित अते दलील सहित समझाउणा है, गल नहीं पैणा। जेकर फिर भी कोई अजिहा करनों ना हटे तां आपां इह तां कर ही सकदे हां कि उसदी इस तोड़ फोड़ वाली गतिविधि ते हसीए ना। जेकर असी चुप राहीं अपनी ना खुशी ते असहमति दिखाउंदे हां तां हो सकदा है कि वह अगे तो अजिहा ना करे। धन्नवाद। बहुत ही प्यारे विद्यार्थियों, जेकर इस वीडियो लैसन राही तुहानू कोई चंगी जानकारी मिली है तो कृपा करके चैनल दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स नू सबसक्राइब कर लो ते बैल दे आइकन ते क्लिक करके ऑल दी ऑप्शन जरूर चुन लवो ताकि हर नवी वीडियो दा आप जी नू सुनेहा लग जावे। प्यारे विद्यार्थियों, कृपा करके इस वीडियो नू वद तो वद विद्यार्थियों तक पहुँचा दिओ, शेयर कर दिओ। प्यारे विद्यार्थियों, तुहानू कोई पॉइंट समझ ना लग्या होवे तां तुसी कमेंट बॉक्स राही अपनी समस्या भी पूछ सकते हो। प्यारे विद्यार्थियों, अगले वीडियो लैसन विच आपां पाठ नौवां लिंग समानता पढ़ांगे भी, प्रश्नां दे उत्तर भी जाणांगे। तुसी वीडियो नूं अंत तक देखिया है। वीडियो नूं अंत तक देखण ते चैनल नूं सबसक्राइब करन ते वीडियो नूं लाइक करन ते शेयर करन ते कमेंट करन ते तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। हाँ सच, प्यारे विद्यार्थियों, एक सुनेहा होर है। मेरे चैनल दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ते एक प्लेलिस्ट है, वेलकम लाइफ न्यू सब्जेक्ट PSEB।
इस प्लेलिस्ट दे विच होर जमातों के भी चैप्टर करवाए गए हैं। तुसी अपने वड्डे भैन भरावां नूं भी इस बारे दस सकते हो ताकि वह भी लाभ उठा सकन। धन्यवाद दोस्तों। फिजिकल एजुकेशन तो इलावा तुसी इस चैनल ते इंग्लिश, हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, समाज सेवा, कोरोना केयर आदि अनेक टॉपिक्स ते वीडियो वेख सकते हो। चैनल नूं सबसक्राइब करन ते धन्यवाद। यूट्यूब दी सर्च बार दे विच आपां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखना है, साडे कोलों एक नवां पेज आ जाएगा। उन्दे उपरले पासे लिखा हुआ दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स ते हेठां ऑप्शन दिती है सबसक्राइब दी। तुसी डायरेक्ट इत्थों भी सबसक्राइब कर सकते हो। जेकर कोई वीडियो देख रहे हो, जिवें कि आपां चैनल खोल लिया ते आपां कोई वीडियो देख रहे हाँ, तो जदों वीडियो चलेगी साढ़े कोल कुछ ऑप्शनस आणगियां, तो साढ़े कोल ऑप्शनस आ गईयां इत्थे जिथे फोटो लगी है हेठां दिनेश एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स लिखा होया है। इहदे नाल आ सबसक्राइब का बटन है, तुसीं सबसक्राइब का बटन नप लेना इस नूं ते तुहाडे कोल तीन ऑप्शनस आणगियां। जदों इस नूं आपां नपांगे तो तीन ऑप्शनस आणगियां, उहदे उपर लिखा हुआ ऑल, तो ऑल दी ऑप्शन जिहड़ी है ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।